हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको सब्सक्राइबर बढ़ाने का एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जो कि दोस्तों आपने बिल्कुल देखा ही नहीं होगा। दोस्तों यहां से आप एक क्लिक में 20 सब्सक्राइबर बढ़ा सकते हैं, दूसरा जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ और 20 सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, यानी दोस्तों 40 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। तीसरे क्लिक पर आप यहाँ से 60 सब्सक्राइबर ले सकते हैं, और वो भी दोस्तों यहाँ पर ये एकदम फ्री है, कोई भी पैसे नहीं लगेंगे, एकदम फ्री तरीके से आप यहाँ से सब्सक्राइबर गेन कर सकते हैं। तो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताने वाला हूँ, वीडियो को जरा भी स्किप मत करिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आप एक भी स्टेप मिस कर देंगे तो हो सकता है आप सब्सक्राइबर को ना बढ़ा पाए, आप वीडियो को पूरी अच्छी तरीके से ना देख पाए तो आपका जो सब्सक्राइबर है वो ना बढ़ पाए। इसीलिए दोस्तों वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, मैं गारंटी देता हूँ आपका 1000 सब्सक्राइबर एक घंटे में ही पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों बिना समय गवाए बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों आज की इस नॉलेजफुल एंड इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको अपना जीमेल ओपन कर लेना है, जीमेल जो ऐप है उसको ओपन कर लेना है, और यहाँ से दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिल जाता है आपके चैनल का लोगो, आप यहाँ से देख सकते हैं ऊपर, यहाँ पर आपको एक साइन ये इस तरीके का देखने को मिल जाता है, आपको इस पर क्लिक करना है तो आपकी जो जीमेल आईडी है वो यहाँ पर शो हो जाएगी। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इसको ब्लर कर रखा है, यहाँ पर इसको आपको याद कर लेना है दोस्तों, इस जीमेल को आपको याद कर लेना है। अगर याद नहीं है तो या फिर आप कहीं पर भी लिख सकते हैं इसको, आपको ऊपर ये याद रखनी है, कहने का मतलब ये है। उसके बाद दोस्तों अब यहां से आपको वापस आ जाना है। दोस्तों आपको एक चीज़ और बता दूं, आपको यहां पर अपनी किसी भी मेन चैनल की जो जीमेल आईडी है उसको यूज़ नहीं करना है, किसी भी और जीमेल आईडी से आप इसको ट्राई कर सकते हैं। पहले ट्राई करना है आपको कि आप किसी और जीमेल आईडी से ही ट्राई करें, और दोस्तों आपकी मेन चैनल की जो जीमेल आईडी है उससे ट्राई आपको बिल्कुल नहीं करना है, और मैं गारंटी देता हूँ आपका 1000 सब्सक्राइबर एक घंटे में ही पूरा हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको इस जीमेल को याद कर लेना है, जीमेल को याद करने के बाद दोस्तों अब आपको यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों अब यहाँ से आपको क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है, क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च बार में क्लिक करना है और सर्च कर लेना है व्यूज फॉर यू, यहाँ पर दोस्तों व्यूज फॉर यू सर्च कर लेना है आपको, व्यूज फॉर यू। जैसे ही दोस्तों आप इसको यहाँ पर सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, सॉरी दोस्तों यहाँ पर मैं थोड़ा सा गलत टाइप कर दिया है, व्यूज फॉर यू। जैसे ही दोस्तों यहाँ पर सर्च करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, आपको दोस्तों इस वाली वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है ऑर्गेनिक यूट्यूब ग्रो सर्विस। तो अब बहुत से लोग ये कहेंगे कि आपने वेबसाइट देख लिया है तो हम यहाँ से भाग जाएंगे वीडियो को छोड़ के। दोस्तों आप नहीं बढ़ा सकते हैं इसे सब्सक्राइब, अगर आप वीडियो छोड़कर जा रहे हैं तो जा सकते हैं, मैं आपको रोक नहीं सकता हूँ, लेकिन दोस्तों आप सब्सक्राइबर नहीं बढ़ा सकते हैं। अब मैं दोस्तों आपको बता दूं कि आपको सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाना है, यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर अब बहुत कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है स्टेप 1 लिखा हुआ है, स्टेप 2 लिखा हुआ है, स्टेप 3 लिखा हुआ है, सारी चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर आपको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ने वाला है यहाँ पर। अब मैं बता दूँ आपको यहाँ पर सबसे ऊपर एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है ऑफ़र्स का, दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑफ़र्स लिखा हुआ है, आपको यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर देख सकते हैं आप क्या लिखा हुआ है, बाई यूट्यूब व्यूज सब्सक्राइबर एंड लाइक्स। तो बहुत से लोग बोलेंगे हमने वेबसाइट देख ही लिया है अब यहाँ से हमें खरीदना ही तो है, खरीदने का ही बताएगा। नहीं दोस्तों, खरीदने का नहीं बताने वाला हूँ, यहाँ से आपको बिल्कुल एकदम जेन्युइन तरीके से फ्री सब्सक्राइबर देने वाला हूँ, आपको बिल्कुल भी एक रुपया भी यहाँ पर खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपने वेबसाइट देख लिया है यहाँ से आप जाकर फ्री में ही सब्सक्राइब ले सकते हैं, तो नहीं ले पाएंगे दोस्तों, मैं ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ, आप यहाँ से इस वीडियो को देखेंगे तो आप फ्री में सब्सक्राइबर ले सकते हैं। आपको दोस्तों यहाँ पर वाई व्यूज़ देखने को मिल जाता है, अब नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पर देखने को मिल जाता है यूट्यूब लाइक्स, तो नीचे और एक बार स्क्रॉल और करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है यूट्यूब सब्सक्राइबर्स। अब दोस्तों आपको यहाँ पर बाई सब्सक्राइबर्स पर क्लिक कर देना है। ऐसे ही दोस्तों आप बाई सब्सक्राइबर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों बोलेंगे कि खरीदने को बोलेगा सब्सक्राइबर, नहीं बोलूंगा दोस्तों, फिर बोलूंगा कि आपको यहाँ से फ्री सब्सक्राइबर मिलेंगे, फ्री एकदम। तो दोस्तों नीचे यहाँ से आपको स्क्रॉल करके आना है, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जो लिखा हुआ है 20 सब्सक्राइबर फ्री में मिलेंगे आपको, 50 सब्सक्राइबर $3.45 में मिलेंगे, 100 सब्सक्राइबर $3.90 में मिलेंगे। तो दोस्तों यहां से आपको एक क्लिक में 20 सब्सक्राइबर फ्री में मिलने वाले हैं, उससे अच्छी बात क्या हो सकती है दोस्तों, यहां पर एक भी पैसा खर्च नहीं हो रहा है। अब दोस्तों खरीदने कैसे हैं, सबसे पहले तो आपको ये जान लेना है, क्योंकि दोस्तों आप यहाँ पर ये सोच लें कि आपने ये चीज़ देख ली कि फ्री में मिल रहे हैं, आपको यहाँ से खरीदना है, कुछ भी चैनल का नेम वगैरह डालना है तो आपका सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा। नहीं दोस्तों, आपको स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियो को देखना है, क्योंकि दोस्तों आप एक भी स्टेप मिस करेंगे तो हो सकता है आप अपने सब्सक्राइबर को ना बढ़ा पाएं।
तो दोस्तों आपको वीडियो ज़रूर देखना है, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से वेबसाइट को देखकर और अपने क्रोम ब्राउज़र में आकर इस वेबसाइट को ओपन कर लें और सब्सक्राइबर को बढ़ा लें। नहीं दोस्तों, आपको वीडियो पूरा देखना है, हो सकता है कि आप कोई गलती कर दें जिससे आपके 20 सब्सक्राइबर ना बढ़ पाएँ, तो दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर 20 सब्सक्राइबर हमारा फ्री लिखा हुआ है। अब ये हमको मिलेंगे कैसे दोस्तों, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। आपको दोस्तों इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्री लिखा हुआ है, कोई भी पैसा चार्ज नहीं कर रहा है ये। अब यहाँ से दोस्तों मैं इस पर बाई नाउ पर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही दोस्तों मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ, तो क्लिक करने के बाद इसका जो इंटरफेस है आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं लिखा हुआ है फ्री यूट्यूब सब्सक्राइबर्स। तो दोस्तों हमने जो फ्री वाला जो यूज़ किया था वो यहाँ पर ही सेलेक्ट हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ से हम स्क्रीन को थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों यहाँ नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 20 फ्री यूट्यूब सब्सक्राइबर फॉर फ्री, यानी कि दोस्तों हमें जो 20 सब्सक्राइबर मिल रहे हैं वो यहाँ पर एकदम फ्री हैं। अब दोस्तों यहाँ पर डालना है हमको योर लिंक, जो भी आपके जो चैनल का लिंक है जिस पर आप सब्सक्राइबर बढ़ाना चाहते हैं उस चैनल का लिंक डालना है, या फिर हो सकता है आपके में योर URL लिखा रहा हो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि URL और जो चैनल का लिंक है वो एक ही चीज़ होता है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों हम जिस चैनल पर अपने सब्सक्राइबर बढ़ाना चाहते हैं उस लिंक को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। दोस्तों मैं आ जाता हूँ अपने यहाँ पर YouTube में। YouTube में आने के बाद दोस्तों यहाँ से मैं अपने एक चैनल को यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ जिस पर मैं सब्सक्राइबर बढ़ाना चाहता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर वो थोड़ा सा चैनल नीचे है, उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों कहाँ पर है वो चैनल। तो दोस्तों जो हमारा चैनल है वो यहाँ पर ये वाला चैनल है, इसको यहाँ से हम इसकी 3 डॉट पर क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ से ऊपर देख सकते हैं 3 डॉट यहाँ पर है, यहाँ से हम इसको क्लिक करके शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसकी जो लिंक है वो यहाँ से कॉपी कर लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कॉपी लिंक लिखा रहा है नीचे, यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारा एक कॉपी हो चुका है लिंक। कॉपी होने के बाद अपने जो क्रोम ब्राउज़र जहाँ पर हम थे वहाँ पर आ जाते हैं दोबारा, और लिंक पर क्लिक करके यहाँ पर उस लिंक को हम पेस्ट कर देंगे जो भी लिंक हमने वहाँ से कॉपी की थी। तो दोस्तों मैं यहाँ पर इस लिंक को पेस्ट कर देता हूँ और देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो हमारी लिंक है वो पेस्ट हो चुकी है। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर आपको ईमेल डालना है। मैं बात आपको फिर से बता देता हूँ दोस्तों, जो इस चैनल से आपका जो ईमेल जुड़ा हुआ है, जिस जीमेल से आपका चैनल बना हुआ है, वो ईमेल आपको यूज़ नहीं करना है। आपको केवल वही जीमेल यूज़ करना है जो मैंने आपको बताया था कि आपको अलग ही जीमेल यूज़ करना है चैनल वाले को छोड़कर। आप कोई भी ईमेल नया बना सकते हैं जिससे आपका चैनल पर कोई भी इफेक्ट ना आए। केवल आप ऐसे पहले एक्सपेरिमेंट करिए अपने एक किसी चैनल पर, उससे दोस्तों आपको सब्सक्राइबर मिल जाएंगे। तो आपको फिर से बोलूँगा दोस्तों, आपको अपने मेन चैनल पर इस जीमेल पर आपको इससे काम नहीं करना है, आपको किसी और जीमेल को यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों कोई और जीमेल यहाँ पर अगर आपके पास नहीं है तो आप नया बना सकते हैं। नया बनाने के बाद यहाँ पर आपको उस जीमेल को डाल देना है। तो दोस्तों हम भी यहाँ पर अपना जो जीमेल है उसको डाल देते हैं। तो दोस्तों जीमेल डालने के बाद अब दोस्तों आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है ट्राई नाउ का। अब आपको यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपकी जो प्रोसेसिंग है वो थोड़ा सा यहाँ पर चलेगी, 10-5 सेकंड है वो चलेगी। उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 10-5 सेकंड की प्रोसेसिंग होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों अब मैं आपको बता दूँ, आपने जो जीमेल अकाउंट यूज़ किया है उस जीमेल पर आपका जो एक वेरिफिकेशन कोड है वो यहाँ पर उस जीमेल पर जाएगा। आपको दोस्तों अब क्या करना है, अपना जो जीमेल है उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद उस कोड को यहाँ पर डाल देना है। तो दोस्तों हम भी अपना जो जीमेल है उसको ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों जीमेल ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो कोड है वो आ चुका है। यहाँ से दोस्तों हम इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद जो वेरिफिकेशन कोड जो भी है हमारा, यहाँ से इसको याद करके वहाँ पर डाल देते हैं। तो दोस्तों हमारा जो कोड है वो है 2865, यहाँ पर डालते हैं दोस्तों 2865। दूसरा है जो दोस्तों हमारा 617936179। तो दोस्तों हमको यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक कर देना है। कंफर्म जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद हमारा जो प्रोसेसिंग है वो थोड़ा सा यहाँ पर चलेगा। प्रोसेसिंग खत्म होने के बाद दोस्तों आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा आ रहा है ग्रेट योर ट्रायल ऑर्डर इज प्रोसेसिंग नाउ, यानी कि दोस्तों आपका जो ऑर्डर है वो यहाँ पर प्रोसेसिंग में चला गया है और थोड़ी देर बाद आपके जो सब्सक्राइबर हैं वो आपके चैनल पर स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि आपको 1000 सब्सक्राइबर कैसे मिलेगा। 20 सब्सक्राइबर तो आपको मिल गया, लेकिन 1000 सब्सक्राइबर कैसे मिलेगा। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको यहां से अपने होम पेज पर आ जाना है और अपने फोन की सेटिंग्स को ओपन कर लेना है। सेटिंग्स को जैसे ही ओपन करेंगे तो आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। आपको या तो ऐप मैनेजमेंट या फिर ऐप्स कोई भी ऑप्शन एक मिल जाएगा, मेरे में ऐप्स का है तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। ऐप्स पर क्लिक करने के बाद ऐप्स मैनेजमेंट पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर सर्च कर लेना है अपना क्रोम।
क्रोम जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने मिल जाता है डाटा यूजेस का। डाटा यूज पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपका जो भी डाटा क्रोम ने लगा रखा है वो यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन में देखने को मिल जाता है स्टोरेज यूजर, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको मैनेज स्पेस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपने क्लियर ऑल डाटा को कर देना है क्लिक। यहाँ से आपका जो भी डाटा है जो क्रोम में टैब खुले होंगे वो सारे यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे, जिससे आपका क्रोम एक तरीके से न्यू यूज़ की तरह हो जाएगा, जैसे आप क्रोम को नया यूज़ करते हैं। अगर दोस्तों आपका कुछ इंपॉर्टेंट है क्रोम में, कोई भी नया टैब, ऐसा कोई टैब ओपन है जिसमें दोस्तों आपका कुछ भी काम का ज़रूरी है, तो आपको क्लियर डाटा पर क्लिक नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों सारा डाटा वहाँ से उड़ जाएगा। अगर दोस्तों आपका जो भी क्रोम में जो भी चीज़ है वो नॉर्मल है सारी चीज़, तो यहाँ से आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका जो हिस्ट्री है वो सारा यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, आपको 50 फेक जीमेल आईडी बना लेना है। 50 फेक जीमेल आईडी जैसे आप बना लेंगे, अदर अदर आपको 50 जीमेल से ही वहाँ पर अपना जो वेरिफिकेशन कोड आता है वहाँ पर आपको 50 जीमेल से ही आपको 1000 सब्सक्राइबर मिल पाएंगे। हर बार आपको अलग अलग जीमेल यूज़ करना है और अपना वेरिफिकेशन कोड डालना है। चैनल लिंक के नीचे जैसे आप जीमेल डालते हैं तो वहाँ पर आपको हर बार अलग जीमेल डालना है और अपना वेरिफिकेशन कोड करके आपको 20 सब्सक्राइबर फ्री में मिल जाएंगे। चैनल यूआरएल आपको वही डालना है, चैनल लिंक वही डालना है, केवल जीमेल आईडी अलग डालकर आप वहाँ पर 50 जीमेल आईडी से 1000 सब्सक्राइबर को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप यहां से सब्सक्राइबर बढ़ा सकते हैं और ये एकदम अच्छा तरीका है आपको सब्सक्राइबर लेने का। तो दोस्तों मैं आपसे एक बार फिर रिकमेंड करूंगा कि आपको अपनी जो मेन चैनल की आईडी है उससे ये चीज नहीं करनी है, आपको किसी नई ईमेल आईडी से ये चीज करनी है, अपने चैनल वाली जीमेल आईडी आपको यूज नहीं करनी है। तो दोस्तों आपको ये तरीका कैसा लगा है सब्सक्राइबर बढ़ाने का, ये हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों आज की इस नॉलेजफुल एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली ही वीडियो में आपके लिए कुछ नॉलेजफुल एंड इंटरेस्टिंग लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।